जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन DV का डेट आउट हो चुका है। कब से कब तक DV होगा इसके बारे में, और साथ ही साथ इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड और लेखपाल के बारे में क्या थोड़ी बहुत अपडेट है इसके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जान लेंगे। देखिए सबसे पहले, और दोस्त यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के निशान को दबा देना, बाकी वीडियो लाइक वाइक आप कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहां पर अभी यानी कि 16 की डेट में आपको यहां पर दिख जाएगा कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का है आ चुका है कुछ नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें जो जो लिखा है आप देख सकते हैं आज ही की डेट की है, और इसमें टोटल भर्ती थी 486 और 2832 लोग इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर होता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन, और कहाँ पर, गोमती नगर लखनऊ में होता है। कब से कब तक यहाँ पर चलेगा, तो देखिए 30 तारीख यानी कि 30 मई से स्टार्ट है, और प्रातः 10 बजे से स्टार्ट है, और मतलब दो पाली में होगा। पहली पाली 10 बजे से है और दूसरी पाली अपराह्न 1:30 बजे से है, और प्रत्येक पाली में 100-100 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, यानी कि प्रत्येक दिन 200 लोगों को की DV के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो एक तारीख मतलब 30 को है, 31 को है, 1-2 इस प्रकार से कुल देखेंगे हम लोग तो 15 दिनों तक यहाँ पर चलने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 15 दिनों तक चलने वाला है, और 15वें दिन यहाँ पर 32 लोगों को पहली पाली में बुलाया गया है, और यहाँ पर रिजर्व डेट रख दिया गया है इवनिंग के टाइम, यानी कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकते किसी कारणवश, उन्हीं के लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व डेट रखा गया है। आप अपराह्न में जा करके 15 यानी कि 16 तारीख को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 2832 लोगों को यहां पर बुला दिया गया है। यहां पर देखेंगे कैसे डाउनलोड करें, तो यहां पर दिया है, होम पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहां पर देखेंगे आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी यहां पर लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है वहाँ पर, तो जो भी आपका शैक्षणिक अभिलेख वहाँ पर बताया गया था वह लेकर जाना है, साथ ही साथ प्रमाण पत्र और उसका मूल प्रति के साथ छाया यानी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, और 4 वांछित प्रविष्टियाँ अंकित कर निर्धारित तिथि को यहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कैसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे @ करके सर्च कर लीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर हमने डायरेक्ट लिंक दिया है। नहीं तो देखिए इसकी शॉर्ट मारने में यहाँ पर ऊपर लिखा होगा 16 तारीख के डेट में दिया होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके आ जाएगा। पेज खुल कर आने के बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ और यहाँ पर ईयर। ठीक है, जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड डाल के जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड मतलब खुल के आ जाएगा। वहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो लेखपाल DV के लिए है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे। तो देखिए लेखपाल DV में आप लोग को पता है 26,000 से 27,000 लोगों को बुलाया गया है, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो DV है लेखपाल जो पिकअप भवन है यहाँ पर नहीं कराया जाएगा जहाँ पर इसका हो रहा है। इसके लिए बाहर व्यवस्था की गई है, और इसका DV कहाँ पर होगा, बाहर होगा या जान लीजिए। और प्रत्येक दिन लगभग 1,000 लोगों को यहाँ पर DV की जाएगी आयोग से बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों की DV भी 1 से 1.5 महीने में इनकी DV कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए लेखपाल DV कब तक शुरू होगी, तो इसके बारे में अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है कि इनकी DV देखिए 16 तारीख तक तो संभव नहीं है, अगर अगले महीने में हो तो 16 यानी कि जून लास्ट से स्टार्ट करके जुलाई पूरा चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जून और जुलाई मान कर चलिए, जून लास्ट और जुलाई में इनका DV होने का पूरा चांस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का कब तक होगा, तो देखिए ऑफिशियल अपडेट इसके बारे में भी अब तक कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल का रिजल्ट है फाइनल तो अभी आएगा नहीं, अभी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल उसके बाद ही फाइनल आएगा। तो इसका जो फिजिकल का रिजल्ट है जो कि
फिजिकल के दिन दौड़ने पर ही शाम को दे दिया गया था, उसका रिजल्ट एक बार फिर से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। और कब तक? तो मान के लिए 25 मई तक, ठीक है, 25 मई से पहले पहले इसको दे दिया जाएगा, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, और यहाँ तक दे ही दिया जाएगा, ठीक है। इस महीने के लास्ट छोड़िए 10 दिन के अंदर, यानी कि 25 मई तक फिजिकल रिजल्ट डाउनलोड हो जाए, मतलब दे दिया जाएगा। और फिजिकल रिजल्ट देने के बाद ही क्लियर होगा कि पहले डीबी होगा या मेडिकल, लेकिन जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है, यहाँ पर पहले क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। पहले मेडिकल हुआ तो सभी जितने लोग हैं सभी को बुलाया जाएगा, उनके जिला मुख्यालय पर ऑफिस जो होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र होता है, वहाँ पर लोगों का मेडिकल कराया जाएगा। तो टोटल कितने लोगों को कराया जाएगा, जितने लोग फिजिकल पास हैं इतने लोगों को कराया जाएगा, जहाँ तक सुनने में आ रहा है। बाकी यह स्पष्ट कब होगा, जब फिजिकल का रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि उसी दौरान आपको सूचित कर दिया जाएगा कि पहले मेडिकल होगा कि डीवी, ठीक है। तो जैसे ही फिजिकल रिजल्ट आएगा, हो सकता है इसके साथ कोई अन्य नोटिस आए जिससे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है मेडिकल ही पहले होगा, फिर इसके बाद डीवी होगा, और अंततः फाइनल में आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा इसका। अब देखिए यह कब तक हो सकता है डीवी, तो देखिए डीवी जो होता है आयोग के ही जो वहाँ के स्टाफ तो नहीं, आयोग के माध्यम से जो आयोग के लोग रहते हैं वही लोग डीवी यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। अगर लेखपाल डीवी जून यानी कि बोरिंग टेक्नीशियन के बाद अगर इसकी डीवी लग जाती है, तब जून जुलाई के बाद ही, मान के चलिए इसका डीवी जुलाई के बाद ही यहाँ पर होने वाला है, जुलाई तक डीवी संभव है, ठीक है, इसकी फॉरेस्ट गार्ड की। अगर पहले मेडिकल हुआ तो मेडिकल ही मान के चलिए 15 दिन के करीब मेडिकल चलेगा, उसके बाद ही यहाँ पर डीवी होगा। बाकी देखना होगा कि इसमें पहले मेडिकल होता है या डीवी, वह तो आगे की बात है, पता चल ही जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई अन्य आपका डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें क्या क्या लेकर जाना है यदि आपको अभी तक नहीं पता है तो एक बार बताइएगा, हम इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे कि क्या क्या लेकर के आपको यहाँ पर बोरिंग टेक्नीशियन में जाना है, ठीक है। बाकी आप लोग एडमिट कार्ड यहाँ पर हमने जैसे बताया इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे को भी दबा देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।